आईएमटीवी ओडिसारे आपनको स्वागत। आज मु आपनको पाई नैकि आसीछि देश विदेश तथा राज्यर 12 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। फर्स्ट न्यूज, 11 दिन परे थमिला युद्ध। गत 11 दिन धरि इजराइल एवं हमास मध्ये चालितबा संघर्ष शेषरे अंत होई जैछि। इजराइल रो प्रधानमंत्री बोमानिया न्यूचान सुरक्षा मंत्री मंडल गाजा अंचल रे 11 दिन धरि चालितबा सामरिक कार्य को बंद करबा पई एकपक्ष अस्त्रविरति मंजूर करिसेंति। इजराइल गणमाध्यम पक्षर गुरुवार विलंबित राति रे यार सूचना दिया जैछि। एक रिपोर्ट रे कहा जैछि आक्रमण को रोकबा पई अमेरिकार चाप पर यह निष्पत्ति निया जाइछि। अनेक रिपोर्ट रे कहा जैछि यही निष्पत्तिर 3 घंटा पर राति 2टा रो अस्त्र विरंगी लागू हेबो। नेता हिनंक कार्यालय तुरंत यह रिपोर्ट को निश्चित करनी नै एवं हमास मध्ये हार जवाब देनी। शुक्रवार दिन 2टा रो इजराइल सह युद्ध विराम लागू करा जइबो बोली हमास रो जण अधिकारी कहिसेंति। इजराइल कैबिनेट अस्त्र विरंगी घोषणा करछि किंतु यार कार्यकारिता पई समय मध्ये देइ नै। 2 नंबर खबर, अंटार्कटिका रे सर्वबृहत हिमशैल। जलवायु परिवर्तन जोंगु सारा विश्व रे विस्फोटर लिवारे लागि जाइछि। अंटार्कटिका महादेशर पूर्वतन सर्वबृहत भूखंड को जन्म देछि। भूसागर मध्यरे थिवा स्पेनर लोकप्रिय पर्यटन स्थल बा केन्द्र माजेरिया 3640 वर्ग किमी बा 1405 वर्ग किमी। थाईलैंड थारु मध्य हिमशैल आयतन बड़ बोली यूरोपियन स्पेस एजेंसी पक्षर गुरुवार दिन स्पष्ट करा जाइछि। अंटार्कटिका रे सद्य सृष्टि होइतवा बर्फखंड को वैज्ञानिक माने A75 ना देछंती। जेतेबेले हार रोनो आइस सेल्फी थारु विचिन्न हो जाइतिला अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर केमिकल्स ने कोल्ची एक मिशन को व्यवहार कर उपग्रह चित्र जरिया ए संपर्कित बरणी को सुनिश्चित कर देछि। आइस 20 थारु आइसबर्ग गुड़िक विचिन्न करथुबा प्राकृतिक प्रक्रिया को काल्विंग कहा जाए। ब्रिटिश अंटार्कटिकार सर्वे ग्लासियर जेफ्स आर्सन्स बोर्ड्स कहते जे वालेन्सी बर्तमान उत्ताप चाप ना किंतु आर्कटिक महादेशर अन्य भाग जलवायु परिवर्तन रोथवर यार प्रभाव में विश्व सर्वबृहत हिमशैल जन्म देखो समुद्र पतन वृद्धि पावे से कहते। 3 नंबर खबर, भैक्सीन बिकि 9 जन पाल्टी कोटिपति मार्जिनिया सीओ शीर्ष रहे। पृथ्वी में कोरोना संक्रमण जो सृष्टि चंचकजनक होवार लगी स्थल कोरोना संक्रमण रोकने उपयोगी सब्यस्त होता सानिटाइजर मास्क हैंडवाश आदि चाहिदा बढ़ी जाइए। यह सब प्रस्त कर बहु लोक आर्थिक स्थिति एवं सुधरी जाइए। सेपर भैक्सीन बिक्री कर पृथ्वीर 9 जन व्यक्ति कोटिपति पाल्टी जाती संपत्ति परिमाण 100 कोटी अधिक रही। एने पीपुल्स भैक्सीन आइन्स पक्ष प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार कोरोना महामारी जो धनिक पाल्टी 9 जन मोट संपत्ति 141,122 कोटी टंकार पहुंची जाइए। प्रकाशित तालिकार शीर्ष में मार्डन सीओ तथा स्टेफिन बेंसर रही। सूचना फोर्ब्स धनिक तालिका आधार में प्रस्तुत कर पीपुल्स भैक्सीन आलायंस अंशविदा अंश चारिटी एनामेटा सूचना देखती तालिकार बायोटेक् सीओ तथा ओगर साहिन रोचे। चाइनार भैक्सीन कंपानी कोरोना भाइरस संस्था नाम रही। 4 नंबर खबर, नेपाल भूकंप। नेपाल केन्द्रीय लुमकुम जिलार बुधवार दिन भूकंप अनुभूत होती। यार तीव्रता रिक्टर स्केल 5.9 रही। ए 6 जन आहत होता बेले अनेक घर भांगी जाइए। भग्नावशेष तले पोति होते जड़े महिला उद्धार कर 2015 गोरखा भूकंप यार पश्चात कंपन बोली कहा। 2015 एप्रिल 7.8 तीव्रतार भूकंप अनुभूत होता जो थे प्राय 9,000 लोक प्राण हर और 800,000 घर भांगी जाइला। 5 नंबर खबर, आईपीएल बाकी मैच पर मास्टर प्लां। चलित बर्ष सेप्टेम्बर आईपीएल 14 अवशिष्ट मैच आयोजन करने लगे मास्टर प्लां प्रस्तुत कर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई। इंग्लैंड और भारत मध्य खेल जा 5 मैच टेस्ट सीरीज कार्यसूची परिवर्तन आसी जाइए। एगे इंग्लैंड बोर्ड बा ईसीसीपी निकट में बीसीआई अनुरोध करछि सीरीज को धार्य तारीखर किसी सप्ताह पूर्व आरंभ करने को प्रस्ताव देछि। सौरभ गांगुली नेतृत्वाधीन बीसीआई यहाँ पर आईपीएल बलका 31 मैच आयोजन करने लगे अधिक समय मिल पार। कार्यसूची अनुजाई भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज प्रथम मैच अगस्त 4 खेल जाए अंतिम तथा 5 मार्च टेस्ट सेप्टेम्बर 10 खेल तेरे यही सीरीज को जुलाई शेष सप्ताह मध्य समाप्त करने को बीसीसीआई अनुरोध कर मैच मध्यम व्यवधान को कम करागले सीरीज शीघ्र शेष हो पार। यहाँ द्वारा आईपीएल द्वितीय पर्यायपाई पूरा फंका पड़ सेप्टेम्बर मस तेज यह उभय बोर्ड पक्षर कौन से प्रतिक्रिया दि जाए ना। 6 नंबर खबर, वज्रपात नेला 3 जन जीवन। गोटे परिवार 3 जन मरी जाइछंती। केन्दुझर जिला घटगां थाना अंतर शुक्रवार एक अघटन घटी। वज्रपात में माँ तांकर 3 जन झियो एवं तांकर संपर्कीय भाउजों मृत्यु घटी।
समस्त मृतक जाजावर बोली जमापड़ झाड़खंड रांची जिला गोटे पर घटगा थाना ढेंगीकुर साहिरे एक गछमूल टेन्ट बांधि रोते से गाँव को गाँ बुलकर कम कर चलुले टेन्ट भितर माँ रामकेली भिशिले तीन वर्ष झील अश्विनी और भाज दिलचूला रही तेज अपराह गाँव में वर्षा सांग घड़घड़ी सह वज्रपात होता वज्रपात टेन्ट्रे रही माँ झील और भाज घटनास्थल मृत्युवरण करते बाहर को पर पुरुष लोक जाने बर्ती जाइंट खबर पाई ढाकी कैंड फांदार अधिकारी घटनास्थल पहुंची मृतदेह जबत कर विच्छेद पठाई सात नंबर खबर ममता बाट छाड़े भवानीपुर विधायक पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानाजी विधानसभा उपनिर्वाचन एक रास्ता सफा होती कारण राज्य शासक दल तृणमूल कांग्रेस नेता तथा शोभनदीप चाटर्जी विधायक पदर शुक्रवार दिन इस्तफा देते से भवानीपुर विधानसभा आसन विजयी हो विधानसभा पहुंची थे विधानसभा आसन ममता पारंपरिक आसन बोली कह जाए से दुई थर भवानीपुर आसन जीति सारी कि विधानसभा निर्वाचन समय जिते ममता बानाजी शुभनदेव अधिकारी विरोध में नंदीग्राम आसन लड़ी थे शोभनदेव को यही सीट रू टीएमसी पक्षर टिकेट दि जाइए अंपटे इस्तफा पर शोभन कहते यह मुख्यमंत्री गोड़ थी से पुणि थे यहाँ लड़ाक चाहते बोली से जानवाक तेणु से बिना कौन से चापर यह आसन को खाली करदे निष्पत्ति नहीं शोभनदेव चाटार्थी कही आठ नंबर खबर तेरह वर्ष पिला निकट चिन्हट है ब्लाक फंगस कोरोना संकट मध्य ब्लाक फंगस एक नूतन समस्या भाव उभा देशर अनेक राज्य में यह रोग लक्षण देखा जाता बेले यहाक नहीं लोके चिंतार पड़ जाइंट वयस्क वृद्धों पर शिशु को आक्रांत कर देखा मिली गुजरात अहमदाबाद में जन 13 वर्ष शिशु ब्लाक फंगस रोग से आक्रांत होता जमापड़ी यार रिपोर्ट पॉजिट आसवा पर शुक्रवार अम्बा स्थित एवं चिन्स हस्पिटाल को उक्त शिशुर अपरेसन करा तेज 13 वर्ष शिशु निकट देखा ब्लाक फंगस यह प्रथम मामला सूचना मुताबक उक्त पिलाटी प्रथम कोरोन आक्रांत होता माँ मध्य संक्रमित होते आक्रांत होगापर माँ मध्य संक्रमित हो जाते हैं कोरोना जो माँ का मृत्यु घटी अंपटे कोरोना सुस्थ हो डेढ़ मस पर निकट में यह रोग चिन्हट होता निकट में कौन सी रोगी रोग ना बोली चिकित्सा कर डाक्टर कहते तेज अपरेसन पर यह पिलाटी स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही डाक्टर अभिषेक बंसल सूचना दे दी 9 नंबर खबर बात्या प्रभाव 25 रु उपकूल ओडिशा प्रबल वर्षा बात्या संपर्कित पूर्वानुमान में कौन से परिवर्तन करा जाएनी शुक्रवार आंडामान और पाखपाख अंचल घूर्णिबल सृष्टि हो सारी शनिवार सुधा यह लघुचाप परिणत हो 23 तारीख अपपादर रूप नेब एवं 24 तारीख बात्यार रूपांतर हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकु गति कर यह प्रभाव में 25 रु ओडिशा उपकूल अंचल वर्षा आरंभ हो साधारणतः बात्या गतिपदर डाण पार्श्वर अधिक पवन वर्षा हुए बात्यार बाम पार्श्वर ओडिशा उपकूल अंचल प्रभावित रही पारे उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा रे किछ अंचल प्रभावित होब अवपाद परिणत होइतबारु लैंडफॉल स्थान निर्धारण न होई पानी संभाव्य बताने आईएमडी डीजी तथा मृत्युंजय महापात्र सूचना दे दैछन्ति 10 नंबर खबर वर्षा रे उदा हेले संक्रमण रहिछि भय अधिक कोरोना महामारी बेले बात्या आसुथिबारु लोकंकु सतर्क रहिबाकु परामर्श दैछन्ति भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल रो निर्देशक तथा लक्ष्मीधर साहू बात्या आसुथिबारु वर्षा हेबो वर्षारे ओदा हेले रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाइथाय ओ संक्रमण हेबार संभावना अधिक थाए एणु वर्तमान परिस्थितिर ओदान होबाकु से परामर्श दैछन्ति वर्षारे होउथिबार यथासंभव दूरै रहबाकु चेष्टा करबाकु से कहिछन्ति विशेष करिकि जेउठी गोटे घरे एकाधिक लोक रहउछन्ति सेठी समस्ते मास्क पिंधिबा उचित मास्क पिंधिले 95% कम संक्रमण होइथाय बोली से कहते वर्तमान जो स्थिति रही जो भाई भाव संक्रमण मृत्यु संख्या बढ़ुची आसंता एक सप्ताह पर्यंत यह स्थित रही से कहते ब्लाक फंगस संक्रमण अति नगण्य थी ताकू नहीं चिंतित न रहिबाकु से मध्य परामर्श दे दैछन्ति 11 नंबर खबर क्षतिकारक नुहे दुई डोजर दीर्घ व्यवधान शरीर में वृद्धि पाउछि 300% आंटीबॉडी देश में कोरोना द्वितीय लहर भयावह रूप ने संक्रमण हार कमुले मृत्यु हार एवं भी 4000 उपर रही ए परिस्थिति गोटे भी भरोसा वैक्सीन देश में पर्याप्त वैक्सीन मिलू नथिबारु अनेक प्रथम डोज नहीं द्वितीय डोज को अपेक्षा करछंती कोरोना संक्रमण वृद्धि हार एवं वैक्सीन को अपेक्षा एभली परिस्थिति मध्य सामना को आसी एक खुशी खबर एक दृष्टि जना पड़ी वैक्सीन द्वितीय डोज व्यवधान बढ़िले शरीर में 300% रु अधिक आंटीबॉडी सृष्टि हो पारे ब्लूमबर्ग रिपोर्ट अनुजाई वैक्सीन दुई डोज व्यवधान में दूरता वृद्धि सप्लाई और कम्युनिकेशन उभय भल रही रिसर्च रु सर्वाधिक वैक्सीन दुई डोज डेरी ने भाइरस लड़ुवा आंटीबॉडी स्तर 200% रु 300% वृद्धि पाई है यह नूतन स्टडी भारतीय सिंगापुर पर अनेक विकासशील देश लाभदायक हो सिंगापुर वैक्सीन अभाव कारण द्वितीय डोज मध्य व्यवधान 4-6 सप्ताह वृद्धि कर भारत सामान स्थित रही वैक्सीन ठीक भाव में जोगा दि जा पारे फल वैक्सीन डोज 12-16 सप्ताह व्यवधान बढ़ावा परामर्श दि जाइए
12 नंबर खबर योगी सरकार बड़ निष्पत्ति चलित बर्ष वृद्धि करनी फीस बड़ निष्पत्ति नहीं योगी सरकार संकट बेले बढ़वनी स्कूल फीस राज्य लॉकडाउन रे थिवा बेले सरकार लोके ऊपर अतिरिक्त बोझ हालाका करने को एपरी पदक्षेप नहीं सरकार आगामी शिक्षा वर्ष 2021-22 स्कूल फीस वृद्धि पर प्रतबंधक लगता से कहते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पीए तथा दिनेश शर्मा कोरोना द्वितीय लहरी चलता बेले अनेक पर आर्थिक भाव में प्रभावित होती स्कूल बंद थी बेले एवं ऑनलाइन क्लास कर छात्र छात्री साधारण जनता अतिरिक्त बोझ न देवाई एपरी परिस्थिति सरकार संतुलित निष्पत्ति नहीं से कहते तथा दिनेश शर्मा से भी योगी सरकार शिक्षा विभाग मंत्री भाव दायित्व निर्वाह कर भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबापई धन्यवाद जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करिनांती ताले सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु प्रतिदिन सकाळ 5टा राशिफल और 7टा सकाळ रे गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबापई धन्यवाद थैंक यू।